तो गाइस आप देख सकते हैं अभी भी बाहर बर्फ गिरी हुई है भाई। बर्फ अभी तक गली नहीं, क्योंकि जो टेम्परेचर चल रहा है वो -1 में चल रहा है अभी, और काफ़ी तेज ठंड है। और थोड़ा सा हल्का सा मौसम खुला हुआ है, यहाँ से थोड़ा हल्की फुल्की धूप लगी हुई है। और तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो मेरा नाम है जसवीर सिंह और मैं हूँ उत्तराखंड रुद्रप्रयाग का। तो अभी फिलहाल पोलैंड में हूँ और यहीं से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो जो गाइस मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और पूरी वीडियो को देखें। विंटर टाइम है, ठंडियों का सीज़न, तो उस सीज़न पे यहाँ पे मार्केट लगते हैं, क्योंकि इनका फेस्टिवल भी नज़दीक आने वाला है, क्रिसमस। और क्रिसमस के चलते ही ये गाँव के लोग अपना कुछ सामान सेलिंग करने आते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल बनाए हुए होते हैं। तो मैं जा रहा हूँ उसी मार्केट में आज, और आपको दिखाता हूँ क्या क्या उन्होंने वहाँ पे कैसे कैसा सामान रखा हुआ है और क्या क्या सामान वो लोग बेच रहे हैं वहाँ पे। तो चलते हैं, पूरी वीडियो में बने रहें और दिखाते हैं आपको आज का नज़ारा। तो भाई जैसे मैं इंटर हुआ तो यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बना रखा है, और पीछे की तरफ एक चरखी लगी हुई है, छोटी सी चरखी, अभी तो फिलहाल उसमें बर्फ पड़ी हुई है। और जो ज़्यादातर पे भीड़ है वो शाम के टाइम होगी यहाँ पे, क्योंकि तो शाम के टाइम पे लोग ज़्यादा आते हैं। और तो वैसे भी आज वीकडेज है, सोमवार है, तो सोमवार के दिन अधिकतर लोग काम पे जाते हैं और शाम को फ्री होने के बाद यहाँ मार्केट में आते हैं। देखो ये क्रिसमस ट्री भी लगी हुई है यहाँ पे, और अभी तो बहुत सारी दुकानें हैं जो बंद हैं, वो शाम को टाइम को ही चालू होंगी। तो सामने की तरफ एक दो दुकान चालू है, उनको बता देता हूँ मैं आपको तो क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो ये तो कुछ मीट वगैरह का हुआ है, जो गाँव का मीट है वो कुछ, अन्य क्या चीज़ की मीट है वो पता नहीं भाई। अभी यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें वो खुली रही है फिलहाल, और थोड़ा बहुत लोग आ रखे हैं मार्केट में। यहाँ पे डेकोरेट का सामान है घर का, क्योंकि तो क्रिसमस के टाइम पे ये लोग घर के सजावट करते हैं इसलिए। और ये यहाँ पे कुछ गरम सॉक्स वगैरह, और यहाँ पे कुछ गरम सॉक्स और वो क्रिसमस की टोपी वगैरह लगा रखी। ये चॉकलेट है मैं सारी, और ये कुछ खाने का दुकान है। तो सामने ये इस पे लाइटिंग होती है, इसमें रात को फोटोशूट करने के लिए बना रखा है ये। और ये यहाँ पे इस तरफ क्रिसमस ट्री है, और ये भी कुछ फोटोशूट करने के लिए। तो कुछ कुछ दुकानें चालू हुई हैं, क्योंकि मेरा लगता है थोड़ी लेट हो गई इनको खुलने में, और बाहर से बर्फ़ जमी हुई है, ऊपर से भी बर्फ़ पड़ी हुई है उसमें। और यहाँ पे उन्होंने भाई ऊपर एक छोटा सा चर्च बना रखा है, और उसके नीचे एक कैफ़े बना रखा है, कॉफ़ी शॉप वगैरह बना रखा है। तो ये पूरा चर्च है, उसमें जो चर्च के अंदर होता है, जैसे कि उनके जो चर्च में जो बैठते हैं लोग वो भी लगा रखे हैं उसके अंदर, घूम रहे हैं वो हल्के फुल्के। और ये नीचे, इसके नीचे मार्केट बना रखा है, और यहाँ पे भी काफ़ी लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ये इस तरफ फूड ट्रक भी लगा हुआ है सामने पे, ये सब खाने पीने का सामान है। और ये यहाँ पे महाराणा प्रताप की स्टैचू है, और वो सामने की तरफ आप छोटे पेड़ दिख रहे होंगे, तो वो क्रिसमस ट्री है भाई, तो नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। तो वो लोग घरों के लिए खरीदते हैं, क्योंकि अभी इनका जो त्यौहार आने वाला है क्रिसमस, तो उसमें ये लोग अपने घर के सजावट करते हैं इससे, तो वो लगा हुआ है सामने। और इसके ऊपर फैन घूम रहा है। ये यहाँ पे भाई कोई को नचा रहे हैं, तो मैं आया था पहले पूरा भाई मार्केट में, इतना खुला नहीं था, अभी पूरा मार्केट चालू हो चुका है। और यहाँ पे भीड़ भी
काफी चल रही है लोग, तो ऐसी दुकानें लगी हुई भाई, ऐसे लगा हुआ यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। कुछ इस तरह का मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। तो आज तो नॉर्मल दिन है, इतना भीड़ नहीं है मार्केट में। यहाँ पे गर्मी के लिए किया भाई लोगों ने लगा रखा है, इसमें पूरी गर्मी आ रही है, थोड़ा हाथ उठ सकने के लिए है वो। और यहाँ पे ब्रेड कुछ चीज कुछ इस तरीके का, तो ये है भाई पूरा मार्केट का नज़ारा। और इतनी भीड़ नहीं है मार्केट में क्योंकि सारे लोग लगभग काम पे हैं, तो ये भी हाथ सेकने के लिए लगा रखा है यहाँ पे। और ये भाई सर्दियों का सामान, टोपी हो गया, गर्म सॉक्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। तो ये भी चालू कर लिया भाई उन्होंने अभी, तो ये बच्चों के खेलने के लिए है। छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है इस गाड़ी के अंदर, और एक ये इधर बैठा हुआ है, और ये सामने की तरफ आप लाइटिंग देख रहे होंगे, ये शॉपिंग मॉल है। अभी इस पर क्रिसमस की पूरी लाइट लग चुकी है। कैसे बच्चे ऐसे बन के आ रखे हैं भाई, देखो कैसे आंख देख रहे हैं उसके अंदर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चेस, अभी तो लोग मार्केट में आना शुरू हुए हैं क्योंकि जो ऑफिस वाले हैं उनकी छुट्टी शाम को होती है 6 बजे, तो लोग अब आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ आ रही काफ़ी, और लगे हुए लोग खाने पीने का सामान लगा हुआ है। अरे कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे, ये तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए इसके अंदर, वो गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पे लोग कोई चाय वगैरह और कुछ वाइन वगैरह बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सिकड़ी के साथ में खड़े हुए हैं लोग। और ये इसके नीचे कैफे बना हुआ है, और यहाँ पर छोटे छोटे ट्रक वगैरह ला रखे हैं लोगों ने सामान सेल करने के लिए। ये भी घर के डेकोरेट के लिए है। और कुछ यहाँ पे चॉकलेट वगैरह बेच रहे हैं, ये वाइन, ये तो घूम रहे हैं भाई यहीं। और यहाँ पे सूप वगैरह, तो गाइस ये था आज का मार्केट का नज़ारा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मार्केट है यहाँ पे, और कुछ खास चीज़ ही नहीं लगी हुई, बस खाने पीने का चीज़ ज़्यादा रखा हुआ है यहाँ पे, और वही गांव का खाना है। तो पूरी वीडियो देखें, और मिलते हैं फिर आपसे एक अनदर ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। टेक केयर।